आयुर्वेदीय रसशास्त्रा, ये वो बुक है जो घाची या फिर तेली जात के इतिहास को बताने के लिए बहुत पर्याप्त है। मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि ये रसशास्त्र की बुक में हिस्ट्री कहाँ आ गई, लेकिन मेरे मित्र मैं आपको बताऊं, इस रसशास्त्र को बिना पढ़े भी यदि कोई जानता है तो इस हिंदुस्तान में वो जाति है घाची तेली की जाति, कि कैसे तेल निकाले जाते हैं, कैसे तेल तिल के तेल निकाले जाते हैं, कैसे छोटी छोटी दवाइयों के बारे में इनकी जानकारी अभी भी उपलब्ध है। तो इस पुस्तक से और इस जाति का संबंध तो निश्चित ही रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हेडिंग में ही देख लिया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ घाची तेली जाति के विषय में। और दोस्तों, इस विषय को समझाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिएगा, इसलिए चैनल को के वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हो सके तो आप दोस्त मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, घाची तेली ये एक ऐसा जात जो भारतवर्ष में मिलता है, अगर आप इसके गौरवमय इतिहास को देखें तो देखेंगे कि ये वो जिद्दी जाति है जिसने आज तक अपने पूर्वजों द्वारा सिखाए गए व्यवस्था, विज्ञान और विस्तार, इन विषयों को नहीं छोड़ पाया है। तो आज भी ये अपने जीवन के अगर या रिसर्च किए जाएं या अध्ययन किए जाएं तो मिलेगा कि आज भी इनकी जीवनचर्या उसी तरह से जुड़ी हुई है जैसे कि सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे होती रही होगी। दोस्तों, मुझे आज इस वीडियो में मैं बौद्ध और हिंदू के कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वामपंथी है और ये विचारधारा ही बौद्ध और हिंदू को अलग अलग करने की विचारधारा ही विदेशी है। तो जो मेरे मित्र इस चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हैं वो कृपया हिंदुस्तान के सभी लोगों को एक ही घर के सदस्य माने और एक ही परिवार की तरह रहें, क्योंकि इस चैनल पर भी हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने के लिए आते हैं, ना कि छोटे बड़े और एक दूसरे से अलग रहने के इतिहास को खोजने। ये वो जाति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय पर सीखे हुए ज्ञान का उपयोग तब तक करती रही जब मुगल शासक यहाँ पर आ चुका था और उसने अपने कानूनों में बदलाव किया, भारतवासियों के न्याय व्यवस्था में बदलाव, बहुत सारे बदलाव, जो भी शासन सत्ता जिसने भी यहाँ पर राज किया उसने अपने हिसाब से सारे नियम कानून को बदले, सारे व्यवसायों को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि भारत पहले से ही प्राकृतिक विज्ञान का बहुत ही धनी था, और मेरे पास एक पुस्तक है आज मेरे हाथ में पंडित डॉक्टर सिद्धि नंदन मिश्र द्वारा रचित आयुर्वेदीय रसशास्त्रा, ये वो बुक है जो घाची या फिर तेली जाति के इतिहास को बताने के लिए बहुत पर्याप्त है। मेरे मित्र सोच रहे होंगे कि ये रसशास्त्र की बुक में हिस्ट्री कहाँ आ गई, लेकिन मेरे मित्र मैं आपको बताऊं, इस रसशास्त्र को बिना पढ़े भी यदि कोई जानता है तो इस हिंदुस्तान में वो जाति है घाची तेली की जाति, कि कैसे तेल निकाले जाते हैं, कैसे तेल तिल के तेल निकाले जाते हैं, कैसे छोटी छोटी दवाइयों के बारे में इनकी जानकारी अभी भी उपलब्ध है। तो इस पुस्तक से और इस जाति का संबंध तो निश्चित ही रहा है। और मेरे दोस्तों, रसशास्त्र यदि किसी दौर में सबसे ऊंचाइयों पर रहा है तो वो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के। तो आज हम ये बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं, अगर निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष रिसर्च किए जाए, तो मुझे लगता है यानी कि आपको जानना चाहिए कि जो घाची तेली की जाति है वो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के वंशज रहे हैं या फिर उनके समकालीन राज्यों में रहने वाले पूर्वजों के आगे वंशज हैं। तो क्योंकि दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बीच में एक किताब जो लगभग 1850 ईस्वी के आसपास से लेकर 19 तक बहुत हाईलाइटेड रही, वो कर्नल टोड ने लिखी थी, और कर्नल टोड जो खुद यहाँ भारत के नहीं थे, उन्होंने ये बताया कि कौन सी जाति अगड़ी है, कौन सी जाति पिछड़ी है, कौन नीच जाति है, कौन सी ऊंची जाति है। ये सब विवेचना हमारे शास्त्रों के अनुसार से कभी किसी पंडित के द्वारा, कभी किसी क्षत्रिय के द्वारा या किसी वैश्य के द्वारा नहीं की गई। तो दोस्तों, जो कुछ भी सरकार 1947 भारत आजाद होने के बाद जो कुछ भी डाटा उनके पास कर्नल टोड के द्वारा दिया गया था, वो डेटा मैनिपुलेटेड डाटा जिसमें बहुत कुछ चेंज किया गया था, वही डेटा के आधार पर हमारे यहाँ सामान्य ओबीसी एससी एसटी आदि वर्गों का विभाजन किया गया, जो आज आप सरकार के कॉलम पोर्टी में देख पाते होंगे। तो दोस्तों, इतिहास मैनिपुलेटेड है, आपकी जानकारी को मैनिपुलेट किया गया, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च पॉइंट आप भी उसे जाएंगे, आप देखेंगे कि अशोक सम्राट या चंद्रगुप्त के काल में कौन सी व्यवस्थाएं थी, शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी, उस समय का विज्ञान क्या था, जैसे कि पारद शोधन आदि का विज्ञान, ये चंद्रगुप्त काल का बहुत ही फेमस विज्ञान रहा है, क्योंकि पारद शोधन और पारे से
सोना बनाने की क्या कला का वर्णन आपको चाणक्य की पुस्तकों में मिलेगा। हालांकि वो विवरण नहीं मिलेगा कि कैसे आप सोने को बना सकते हैं पारे से, लेकिन आपको ये जरूर मिलेगा कि अर्थशास्त्र की पुस्तक में कि उस समय पर जो सोना बाजार में बेचा जा रहा है तो वहां पे दो तरह के सोने का वर्णन मिलेगा, एक प्राकृतिक सोना और दूसरा दोयम दर्जे का सोना जो पारे से निर्माण किया था। तो वहां पर चाणक्य ने अपने पुस्तक में लिखा कि आपको बचकर रहना चाहिए ऐसे सोने से। तो इसका अर्थ है, इससे सिद्ध होता है कि उस युग में पारे से सोना बनाने की कला रस शास्त्र या साइंस उनके पास थी। तो दोस्तों आज यदि आप उत्तर भारत महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा हिमाचल में घांची तेली जातियों से मिलेंगे तो उनके पास कई ऐसे अब जानकारियां अभी भी उपलब्ध हैं जिसमें आप तेल कैसे निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे तेल भी निकाले जा सकते हैं जैसे एरंड का तेल निकालना एक अलग कला है। एरंड की तेल निकालना आप तिल के तेल की तरह मस्टर्ड ऑयल की तरह आप नहीं निकाल सकते, ये एक अलग विधा है। इस विधा का ज्ञान भी यदि किसी को है तो वह घांची तेली जात। तो अब यहाँ पर मेरे कुछ मित्र पूछ रहे होंगे कि ये जब सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त के वंशज थे तो आज इनकी ये दशा भारत में कैसी हो गई। तो मित्रों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे अधिक सक्रिय होता है, जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो जब भी शासन सत्ता चेंज होती है तो उसको विपक्ष माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो जिसको दबाव कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा दमन कहा जा सकता है, विपक्ष की ही की जाती है। क्योंकि जब शासन सत्ता अशोक सम्राट के हाथों से छीनी होगी तो उसके बाद जो दबाव बना उन समाज के ऊपर जो कुछ भी हुआ उस कालांतर की बात मैं नहीं करना चाहता इस वक्त, नहीं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो उन्हीं लोगों पर बना जो उस विषय और उस विज्ञान के बारे में जानकार थे ताकि वो कलाएँ समाप्त हो जाएँ। कालांतर के बाद कर्नल टोड आए और उन्होंने उन जातियों को उठाकर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया। तो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे भाई हैं, वो अगर अपने ऊपर रिसर्च करेंगे तो चंद्रगुप्त काल पे जो कलाएं थी, जो विज्ञान थे, वो उनको अपने घर में भी देख सकते हैं कि क्या चंद्रगुप्त अशोक के साम्राज्य में सिमिलरिटीज क्या थी। शिक्षा व्यवस्था कोई छोटा बड़ा नहीं, इष्ट की पूजा, ये सब चंद्रगुप्त सम्राट के अशोक से लेके और सम्राट अशोक से लेके सम्राट चंद्रगुप्त तक चलती रही हैं। तो इन विधाओं में पारंगत और इनका ज्ञान यदि किसी जात के हो तो वो अदर बाइकोट कास्ट में आने वाले लोग स्पेशली घांची तेली के जात होते हैं, जात के लोग होते हैं। मेरा चैनल यहाँ पर जातियों की विवेचना इसलिए कर रहा है ताकि भारत को एक सूत्र में कैसे बांधा जा सके, क्योंकि भारत तभी सफल और सोने की चिड़िया रहा होगा जब यहाँ के लोग एक साथ मिलकर एक सुर में बोलते रहेंगे। तो इसी एक छोटे वीडियो के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक बस घांची तेली समाज के बारे में आगे और रिसर्च को जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।